बिग बॉस 11 के फिनाले में चंद दिन ही बचे हैं और इस समय घर में तीन मेल कंटेस्टेंट्स के साथ साथ टीवी की दो हसीनाएं हिना खान और शिल्पा शिंदे भी मौजूद हैं। बात की जाए शिल्पा और हिना की तो इस सीजन के शुरुआत में दोनों में भले ही ना बनी हो लेकिन हाल ही में दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। लेकिन हाल ही के एपिसोड को देखकर लगता है कि इनके बीच जो 36 का आंकड़ा है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। दरअसल हाल ही में मीडिया के कुछ लोग बिग बॉस के घर में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सवालों के घेरों में इन पांचों कंटेस्टेंट्स को लिया। इस दौरान हिना और शिल्पा के बीच काफी तू-तू मैं-मैं भी हुई। बात यहीं खत्म नहीं होगी। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिना किचन में काम कर रही शिल्पा की कुकिंग पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि उन्होंने किचन पर अपना कब्जा आजमा लिया है। हिना यहीं नहीं रुकती बल्कि शिल्पा से कहती हैं कि उन्हें खाना बनाने से पहले एक बार सभी घर वालों से राय भी ले लेनी चाहिए। हिना की बातें सुनकर शिल्पा शांत नहीं रहती हैं और कहती हैं कि उनका जो मन करेगा वो वही करेंगी। शिल्पा गुस्से में हिना से कहती हैं कि जो पराठा तुमने खाया है वो मैंने ही बनाया था। ये लड़ाई यही खत्म हो जाती लेकिन इसी बीच विकास ने अपनी बात रखी और बात और भी ज्यादा बढ़ गई। कहना गलत नहीं होगा कि फिनाले होने वाला है लेकिन इन दोनों का झगड़ा और बढ़ता ही जा रहा है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF News।